इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू कैनेडा जस्ट लाइक मी आफ्टर 12th, तो देखो ये वीडियो। सो सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपको IELTS दे देनी है, वो भी अपने 11th में। स्टेप नंबर टू में आप 12th हाफ तक आ चुके होंगे, तो 12th हाफ में आप जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है, तब सितंबर इंटेक के लिए एडमिशन ओपन हो चुके होंगे, तो अप्लाई कर दो। अब आपका कंडीशनल ऑफर लेटर तो आ चुका होगा गाइस, तो 12th के एग्जाम देने के बाद और उसके रिजल्ट आने से पहले कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, वो है कि आपको मेडिकल और GIC दे देना है। अब एक बार आपका रिजल्ट आ जाए और वो रिजल्ट में आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज से ज़्यादा ले आओ, तो आगे आप बढ़ सकते हो। तो क्या करना है, अब आपकी यूनिवर्सिटी को अपना रिजल्ट मेल करना है और कहना है कि भाई मेरा रिजल्ट आ चुका है और मैंने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है, तो होल्ड्स हटा दीजिए और मुझे पक्का ऑफर लेटर सेंड कर दीजिए। अब पक्का ऑफर लेटर आपको मिल जाए, उसके बाद उसके अंदर कितनी फीस पे करनी है वो भी आपको पता चल जाएगा, तो वो फीस आप फ्लाई वायर के थ्रू या फिर कोई से भी मीन से आप ट्रांसफर कर दोगे यूनिवर्सिटी को, वो कर दोगे, उसके बाद में आपको फी रिसिप्ट मिल जाएगा। फी रिसिप्ट के बाद आपका वीजा फाइल करने के लिए रेडी है सारे डॉक्यूमेंट। आखिर में एक सूचना जरूर दूंगा गाइस, में आप ये सब स्टेप फॉलो करोगे ना, तो आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि इतना जल्दी थोड़ी IELTS दे सकते हैं, और ये आपके स्टेप में शक करेंगे, लेकिन अपने टाइम की वैल्यू हमें खुद होनी चाहिए। 12th के बाद एक साल यहाँ पे बैठे नहीं रहना है, 12th के बाद तुरंत ही सितंबर इंटेक में निकल लेना है गाइस। टाइम की वैल्यू करो, टाइम आपकी वैल्यू करेगा।